কেনেকুৱা ষ্টাৰ্ট কৰে ইয়াতে এটো বোৰ্ড আছে ন এটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইয়ে ষ্টাৰ্ট কৰি দিও हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एसटी डेली ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। मैं पहली बार जा रहा हूँ और रंगमन रिवर क्रूजर का यहाँ से आपको स्वागत हम करता हूँ। तो चलिए चलते हैं रिवर क्रूजर की ओर। और ये गाइस वो क्रूजर अभी हम लोग घूमने जाने वाले हैं। गाइस यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, घूमने के लिए बहुत मजा आ रहा है भाई। मैं पहली बार आ रहा हूँ ना, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ। और यहाँ पे काफी लोग आ चुका है, बस ये घुमाता है। यहाँ से त्रिशपुर का काजीरंगा का बीचों बीच कितना दूर तक लेके जाएंगे देखते हैं गाइस। आगे चलते हैं, वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करें। और नीचे फर्श जो है ना, ये टीन से बनी हुई है गाइस। सामने बैठने के लिए ऐसे चेयर रखी हुई है, ऊपर खुले आम है, पूरे छत खुला है भाई। और साइड में वहाँ पे है ना, ये आधा हिस्सा जो है यहाँ पे पूरा, बारिश आने से भी कोई दिक्कत नहीं, तिरपाल वगैरह लगा हुआ है। और आधा हिस्सा जो है ना, ये सिर्फ धूप से ही बचाएगा, बारिश से तो आपको बचाने वाला नहीं है। तो गाइस यही है वो रिवर क्रूजर। और आप यहाँ पे आने के लिए है ना, बुक भी कर सकते हैं भाई। जहाँ से ड्राइवर लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं ना, वही है ये जगह, यहीं से कंट्रोल करते हैं। सारा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ गाइस, यही है। और मैं अभी है ना घूमने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे त्रिशपुर में एक मेला चल रही थी, उस मेला की वजह से मैंने यहाँ आया। तो लोग है ना घूम रहे थे यहाँ पे, मुझे भी इससे पहले भी मैंने आया था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे लोग नहीं हुआ था ना, तो जाने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ। अभी है ना, अभी इस सीजन में आप आओगे और 100 रुपया टिकट है इनका। ये कहाँ तक लेके जाता है सारा बताने के लिए कोशिश करूंगा। और ये पार्टी वगैरह के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। ये रिवर क्रूजर में है ना, सजाने के लिए फूल का टॉप भी लगी हुई है। ये गाइस बहुत सुंदर है। यहाँ पे आप पार्टी वगैरह, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए बुकिंग करते हो ना, काफी मजा आने वाला है। यहाँ पे कितना रेट है सब कुछ बताएंगे, भैया से बात करने के लिए कोशिश करेंगे, इसका प्राइस क्या है। अगर आप बुक करते हो, वहाँ पे बुकिंग नंबर लिखी हुई है, लेकिन मैं, मुझे भी नहीं पता, मैं बता दूंगा आप सबको पूछ के कि यहाँ के बुकिंग के लिए कितना लेते हैं। गाइस ये रिवर क्रूजर में अंदर एंट्री करते ही आपको ऐसा लगेगा ये रिजॉर्ट का हिस्सा है। और जो हिस्सा ये बनी हुई है ना, पूरा रिजॉर्ट वाला फील होता है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आप सबको काजीरंगा मांडू रिजॉर्ट, वहाँ पे भी ऐसी सेम बनी हुई थी, लेकिन वो है ना रिवर क्रूजर के ऊपर नहीं था, वह ज़मीन पर था। लेकिन ये काफ़ी सुंदर नज़ारा भी बहुत अच्छा है यहाँ पे है ना, चारों तरफ ये लालटे है ना, अभी दिखाई नहीं देता है हर जगह, यहाँ पर लगी हुई है। ये जलता तो नहीं है शायद, जलाता है, हाँ जलता है ना, ये सब अभी भी जलता है। ये लालटे है ना, हम लोग बचपन में यूज करते थे, जब से लाइट आ गई उस टाइम से। तो अभी तो किसी का घर में लालटे नहीं मिलेगा, लेकिन वो फील अगर आपको लेना है ना, यहाँ पे अभी भी लालटे है। ये देखिए गाइस, जो ये है ना केरासिन से जलती थी, अभी तो केरासिन भी खो गया है। तो गाइस मैं नीचे का हिस्सा में थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। ऐसे सीढ़ी बनी हुई है जैसे गाड़ी में जाता है ना, गाड़ी में जैसे ऐसे ही सीढ़ी बनी है। और वाह बहुत सुंदर नजारा, मैं पहली बार आ रहा हूँ ना, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और इधर पे है ना आईना लगी हुई है, आपको देख सकते हो आप आपका खुद का चेहरा। और यहाँ पे आते ही है ना, सेफ्टी के लिए फायर ब्रिगेड का ये गैस रखी हुई है। और सामने ये रेडियो है, ये काफी पुराना रेडियो है। सारा सामान रखा हुआ है खाना वगैरह का, ये कुकर है। वो लोग जितना भी स्टाफ यहाँ पे रहते हैं ना, वो लोग खाना वगैरह यहीं पे बना के खाते हैं, यहीं पे सब कुछ है, हर फैसिलिटी है यहाँ पे भाई, पानी से लेकर सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए गाइस जो मशीन लगी हुई है ना, यही वो मशीन है जिससे चलती है ये मशीन। से थोड़ा आगे ही एक बेड भी रखा है, वो लोग है ना यहाँ पे बैठ के जाते हैं शायद इधर देख के। और सामने देखिए गाइस ये नदी है, पूरा बिल्कुल नदी, नदी का बीच में ही हूँ मैं अभी। और वो लोग का कपड़ा वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे भी है ना। ये देखिए गाइस मंदिर, भगवान का मूर्ति वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बोर्ड है एक। और सामने दिखा देता हूँ गाइस, जो जिस इंजन से चलती है ना रिवर क्रूजर, यही है जो इंजन है। ये सब चीजें मुझे देखने के लिए बहुत शौक है भाई, यही है इंजन। और ये दो बैटरी रखी हुई है, इस चीज से ही ये स्टार्ट होती है, सेल्फ स्टार्ट। और यहाँ पे पानी का टंकी है, जो ये मशीन चलने से गर्म होता है ना, तो यही पानी रिफिलिंग होता रहता है। ये देखिए गाइस, ये है इंजन का हिस्सा, और यहीं से ही वो लोग कंट्रोल करते हैं ये सारा रिवर क्रूजर। और ये करंट इलेक्ट्रिक बोर्ड रखी हुई है। सामने में बाथरूम दिखा देता हूँ, ये है टॉयलेट लिखा हुआ है, ये है गाइस टॉयलेट। टॉयलेट काफी क्लीन है, वो ये लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिंदास यूज कर सकते हो यहाँ पे।
और अंदर ही ना सारा सामान रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए चीनी से लेकर नमक पानी सब कुछ, ग्लास वगैरह रखी हुई है। अंदर भी एक सजाने के लिए फूल का टाप रखा हुआ है, ये काफी सुंदर है। और यहाँ से ये चेयर वगैरह है सारा, यहाँ थोड़ा जगह कम है, इस एरिया पे लोगों को आना मना है, लेकिन मैं है ना वीडियो करने के लिए आया हूँ तो उसके लिए आने दिया है। और ये पूरा खुला है भाई, ये है देखिए ये गाइस यही है वो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का बीच में ही हूँ। ये लालटे वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, अगर बंद हो जाते हैं लालटे रखना जरूरी है। और ये सब है ना ये विंडो है, ये अगर बंद करना चाहते तो आप बंद कर सकते हो। तो गाइस मैं इस रिवर क्रूजर का सारा हिस्सा आपको दिखा चुका हूँ, और थोड़ा भैया से बात करने के लिए कोशिश करेंगे इसका प्राइस क्या है, कि अगर बर्थडे वगैरह आप मनाते हो तो यहाँ पे मना सकते हो, तो उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। भैया यहाँ पे अगर बर्थडे पार्टी वगैरह मनाता हूँ तो ये 10-15 लोगों का, 15 लोग मैक्सिमम होते हैं, तो 15 लोगों का आपको कितना कॉस्ट आएगा यहाँ पे? देखो आपको बर्थडे या एनिवर्सरी ये कुछ मनाने के लिए आपका पर पर्सन हिसाब से आएगा, पर पर्सन 600 आएगा। उसमें आपका बोटिंग भी रहेगा और उसके साथ साथ हमारा कॉफी रहेगा घर के लिए एक कप। अच्छा, और उसके साथ साथ आपको पुलाव और चिकन भी 600 में इंक्लूडिंग है सारा। इंक्लूडिंग है, और उसके साथ फॉरेस्ट टैक्स भी इंक्लूडेड, फॉरेस्ट टैक्स भी इंक्लूडेड। मिनिमम 15 लोग होना चाहिए है ना, मिनिमम 15 लोग, तो 600 करके वहाँ पे फूड भी और कॉफी भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आप सब सुन लिया गाइस, 600 रुपया में आपको क्या ही मिलेगा आप बताइए। आप अगर अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाते हैं पार्टी मनाने के लिए, पर पर्सन में 700-800 रुपया चाहिए, तो 600 रुपया में यहाँ पे खाना भी इंक्लूडिंग है, कॉफ़ी भी रहेगा 2 टाइम का, और क्या ही चाहिए बताओ। आप लोग अगर बर्थडे वगैरह कुछ एनिवर्सरी वगैरह नदी का बीच में मनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में है ना लिंक दे दूंगा, नंबर वगैरह दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा भैया से। लोग आ ही रहे हैं बहुत, अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस ये रिवर है ना कैसे चलाते हैं, तो यहाँ पायलट से पहले पूछ लिया मैंने और उनसे है ना ऑर्डर ले लिया हूँ, तो उन्होंने ही बोला कि चलो मैं दिखा देता हूँ सारा कुछ। और कहने को स्टार्ट करो याद है, इट बोर्ड है ना, इट स्टार्ट हो जाओ, ये स्टार्ट कर दो। वाव ये देखिए गाइस पूरा स्टार्ट हो चुका है, ये अभी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया। ये देख करते है ना, यही है मेन इंजन गाइस, ये चलने लगा है, काफी तेज आवाज है इसका। और नीचे देखिए पानी और ये बैटरी है, देखिए गाइस वाओ बहुत तेज आवाज है, इंजन से पूरा रिवर क्रूज चलने वाला है, देखिए गाइस कितना आवाज तेज है। और ये देखिए नदी कितना बड़ा, नदी में है ना हम लोग अभी घूमने के लिए जाएंगे। ये देखिए गाइस पानी 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 चारों तरफ पानी, ऑलरेडी इंजन स्टार्ट कर दिए हैं, अभी जाने वाला है भाई, जाने वाला है अभी थोड़ी देर में, ये रिवर क्रूज जाने ही वाला है। लोग हो चुका है 10-15 लोग हो चुका है, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं शायद, और इतना लोग मैं नीचे जाके आपको इंजन वगैरह कैसा स्टार्ट होता है सारा वीडियो में दिखा चुका हूँ। अभी यहाँ का है ना और एक पायलट है ऊपर जो आएगा, ऊपर जो चलाने वाला है वो आने वाला है, तो सारा कुछ कैसा कंट्रोल करते हैं सारा दिखाएंगे इस वीडियो में। ऑलरेडी इंजन का बारे में आपको पता चल गया कैसा है, कैसे स्टार्ट होता है सारा कुछ मैंने दिखा चुका हूँ, तो उन्होंने ही परमिशन दिया था मुझे जाओ दिखा दो, तो सारा कुछ मैं दिखाने के लिए इसीलिए पॉसिबल हुआ। यहाँ पे जो भैया थे ना, यहाँ पे जो रिवर क्रूजर का जो मेन भैया थे वो है ना मेरा रिलेटिव का कोई दोस्त था, अभी ऐसे बातों में पता चल गया, तो उन्होंने सारा मुझे है ना और परमिशन दे दिया कि आप वीडियो कर लो पूरा। मैं अंदर किचन बाथरूम से लेकर सब कुछ दिखा चुका हूँ भाई आप सबको। और यहाँ पे रात को अंधेरा हो जाता है ना कभी कभी आने में, उसके लिए यहाँ पे लाइट लगी हुई है भाई, 60 वाट की LED लाइट लगी हुई है। तो फाइनली गाइस अभी चलने वाला है ये भैया आ चुका है, ये सारा खोल रहा है जो भी लगा हुआ था, ये सारा खोलने का बाद है ना अभी चलाने लगेगा, इंजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। और मैं पहली बार आ रहा हूँ ना, मुझे ज़्यादा एक्साइटेड हो रही है, यहाँ पे जितने लोग भी है उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ। और अंदर जो इंजन स्टार्ट किया था ना उसका साइलेंसर पाइप है ना बाहर लगी हुई है, यही साइलेंसर पाइप है जो आवाज़ है ना यहाँ पे भी बहुत तेज गूंज रही है। मैंने सोचा था बाहर का हवा खाते हुए जाऊँगा, लेकिन वो लोग का कुछ रूल रेगुलेशन होता होगा, मुझे है ना वहाँ खड़ा होने के लिए मना कर दिया, तो मैं साइड पे आ चुका हूँ, तो आगे यहीं से ही एंजॉय करते हैं क्योंकि आगे जाने के लिए मुझे मना कर दिया। काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, फिर भी लोगों का रूल भी फॉलो करना है कि नहीं।
तो गाइस फाइनली ये चल चुका है और मैं नीचे का हिस्सा थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ से कैसा लगता है भाई। और यहाँ पे कोई है नहीं तो मैंने ले लिया चेयर, आराम से बैठ के अभी एंजॉय करते हुए जाऊँगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, मज़ा ले रहा है बस। और कहाँ तक लेके जाते हैं यहाँ पे है ना, आप अगर बुकिंग करके पार्टी वगैरह करना होगा आपको, अगर इवेंट वगैरह कुछ रखना है आपको, ये काफ़ी अच्छी जगह है। और पानी का बीच में अगर बर्थडे पार्टी वगैरह आप मनाते हो तो भाई लाजवाब है। क्या 600 में अगर आपको है ना खाने के लिए घूमने के लिए हर कुछ मिल रहा है विथ कॉफ़ी, बहुत सही है भाई। अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट पे भी जाते हो ना तो 800 से 1000 पर पर्सन चाहिए आपको बर्थडे पार्टी मनाने के लिए। तो यहाँ पे 600 में ही आपको ऐसा लोकेशन भी मिल जाएगा और पानी का बीच में, भाई ये तो लाजवाब है। तो आप लोग भी आइए, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप लोग कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे बर्थडे वगैरह मना सकते हैं। बैठने का इतना मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ ना इस जगह पे, बहुत एक्साइटेड हूँ। बैठते तो घर में भी बैठते हैं भाई, थोड़ा देख के जाते हैं, थोड़ा नज़ारा है ना एंजॉय करते हुए जाते हैं। और ऐसा है देखिए ये आगे का हिस्सा, और पानी में आपको पता नहीं चल रहा है ये कितना तेज चल रहा है, ये काफ़ी तेज चल रहा है अभी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि चारों तरफ पानी ही है ना। पेड़ वगैरह अगर होता तो उस देर आपको पता चलता, लेकिन पानी में पता नहीं नहीं चलता भाई। और ये लालटे है ना मुझे काफ़ी पसंद है, बचपन में मैं जब पढ़ाई करता था मेरा घर में है ना करंट नहीं हुआ करता था, तभी 1998 की बात है, मेरा घर में तब बिजली नहीं था तो यही लालटे चलाता था। काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ इसको भी, कभी कभी कभार मिस करता हूँ, लेकिन ये है ना केरोसिन अभी मिलती नहीं है ना, ये लालटे है ना एक टाइम पे मैं इसी यही जला के मैं पढ़ाई करता था, ये काफ़ी पुराना है अभी, लेकिन यहाँ पे अभी भी चलता है भाई। ये सब चीज़ें अभी है ना मिलना भी बंद हो चुका है, कहीं कहीं मिलता है लेकिन बहुत ही कम दिखाई देता है ये सब पुराना चीज़ें। और ये चारों तरफ देखिए गाइस यही है, बम्बू से ही ये गेट वगैरह बना हुआ है, और चारों और इसका दीवार जितना भी है ना सारा बम्बू से ही बनी हुई है। इसका नीचे क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आधा हिस्सा मैं आपको दिखा चुका हूँ, किचन वगैरह इंजन वगैरह है अंदर, यही इसका अंदर ही आप जा सकते हो, मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो गाइस सबसे आगे हूँ मैं, और एक सबसे बड़ी बात है क्या, हमारा जो आगे है ना ये झंडा लहरा रही है, देखिए गाइस ये हमारा भारत का झंडा ये पूरा लहराता हुआ सबसे आगे सबसे ऊपर। गाइस ये बोट अगर आप बुक करते हैं ना यहाँ से आप काजीरंगा भी जा सकते हैं, काजीरंगा जाने के लिए यहाँ से है ना मिनिमम 5 घंटा चाहिए होता है उनको, मैंने पूछा था 5 घंटे में आपको तेजपुर में उतार देगा, क्योंकि यहाँ से जाने के लिए काफ़ी दूर है और वहाँ का फॉरेस्ट में है ना आपको थोड़ा बहुत पैसा भी देना होता है, कुछ टैक्स वगैरह है वो सब भी पे करना होगा, उसका बाद ही अंदर जा सकता हूँ, तो उस वजह से है ना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और अगर आप अगर काजीरंगा में घूमने के लिए जाते हैं ये पूरा दिन का ट्रिप लेना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ, ऐसे गाड़ी में जाने से तो इतना दूर आपको लगेगा नहीं, लेकिन जब पानी में आप जाते हो ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो गाइस मैं है ना अभी नॉन स्टॉप वीडियो है ना कंटिन्यू करूँगा क्योंकि यहाँ पर है ना एक फीस अभी जंप किया था जो मुझे दिखाई नहीं दिया, सबको दिखाई दिया। ये कौन सा फीस बोलते हैं भैया? डॉल्फिन फीस भी है भाई ये से नदी में, तो अभी जंप किया थोड़ी देर पहले, मैं दूसरा तरफ देख रहा था ना मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, अगर एक भी दिख जाए ना मैं वीडियो में वो क्लिप कट करके दे दूंगा। बाहर है ना हवा बहुत तेज चल रही थी इसलिए मैं अंदर आ गया, अंदर हवा तो बहुत कम है लेकिन इसका लहर है ना बहुत खतरनाक है भाई, अंदर से दिखा रहा हूँ ये देखिए गाइस। और भाई हम लोग का यूट्यूबर मित्र और एक मिल गया, और कैसा लग रहा है भाई? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहला एक्सपीरियंस है कि पहले आ चुके हो? पहले आप तेजपुर में रहते हो, बोले तो यहाँ पे तो आया नहीं है ना ये जगह, मैं भी बिस्ना चार्ली का ही हूँ भाई। अच्छा? जगह बताओ। मुनाबाड़ी मैं बालिका से हूँ। अच्छा? बहुत नजदीक से भाई, ये भी यूट्यूबर मित्रों मिल गए, और ये रिवर में पहली बार आया हूँ ना रिवर को, जब दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही होगा क्योंकि पहले बार ही आया है भाई। गाइस हम लोग बचपन में है ना जब भी कुछ था नहीं सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए ऐसा मोबाइल मेमोरी कुछ नहीं था, तभी क्या चलता था, तभी चलता था रेडियो, और मेरा गांव में एक ही चैनल पकड़ता था वो है इटानगर,
और अभी ये रेडियो देख के है ना मुझे वो पल याद आ रहा है, क्योंकि मेरा पापा भी ऐसे खरीद के लाया था। 3 बैंड 4 बैंड कुछ होता है इसका, मुझे भी इतना याद नहीं है। ये चीज़ खरीद के लाया था और ओनिडा का लाया था, और ये है डेल्ट्रॉन का। ये है ना देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पुरानी चीज़ें मैं जब देखता हूँ ना मुझे बहुत पुरानी यादों को मैं बहुत अच्छा से जी लेता हूँ। और ये दिखाता हूँ गाइस, ये चलता है या नहीं? अरे भाई ये तो चल रहा है। और ये दिखाता हूँ गाइस, ये चल रहा है गाइस, ये तो कार्बी आंगलोंग का दे रहा है भाई, ये कार्बी चैनल है। और क्या क्या चैनल पकड़ता है ये? काजीरंगा का सामने पड़ता है ना, इसीलिए कार्बी चैनल पकड़ रहा है। कार्बी आंगलोंग बहुत नजदीक होता है यहाँ से। तो ये सब पुरानी यादों को जीने के लिए ये सब भी रखना चाहिए भाई, लेकिन मेरा घर पे नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें देख के मुझे, यही आपके मिल रहा है। अभी ये तो बाजार में भी नहीं मिलता आजकल। तो गाइस हमारा ट्रिप है ना बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। हम लोग देख चुके हैं जहाँ से हमारा डेस्टिनेशन, हम जहाँ से आए थे वो जगह दिखा देता हूँ आप सबको, यही है। और ये हमारा 20 मिनट का जो जर्नी है ना, ये बहुत सारा मेमोरीज लेके आया हूँ। और इस चीज़ को मैं दिखाने के लिए कोशिश किया यहाँ से है ना, ये कैसे चलती है, इसका इंजन से लेकर हर चीज़ें, एक एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताने के लिए कोशिश किया इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सारा डिटेल्स इसका है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर आने के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं है, आपको अगर असम से, नौगांव डिस्ट्रिक्ट से हो, या विश्वनाथ से हो, या तनिष्पुर से हो, तो आपको बहुत ही नज़दीक पड़ने वाला है, तेजपुर में ही है भाई, ये सबको पता ही है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच ही गया, यहीं से हम लोग आए थे, तो यही जगह है। सामने एक बोट रखी है, मैंने उनको ही पूछा था ये जाएगा क्या, लेकिन ये फॉरेस्ट वालों का है, ये ड्यूटी में थे, उन्होंने बताया कि ये वाला चलता है। तो मुझे बहुत खुशी मिली मुझे, और मैंने है ना एक ट्रिप लगा के आ चुका हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर देखिए गाइस कितने लोग हैं, यहाँ पे इतना भीड़ इसीलिए हो रहा है ना, यहाँ पे कुछ मेला लग रहा है। ये मेला का नाम मुझे भी नहीं पता, मैं पहली बार आ रहा हूँ ना। ये कौन सा मेला है भाई? अष्टमी मेला ना, ये अष्टमी मेला है तेजपुर में, इस सीजन पे होती है, जो मुझे भी नहीं पता। तो इस टाइम पे है ना काफ़ी लोग हो रहे हैं, इनको भी बहुत फ़ायदा होता होगा इस टाइम पे। ऐसे में एक बार आया था लेकिन इतने लोग नहीं थे, तो मुझे जाने नहीं मिला उस टाइम पे। तो आज फाइनली मेरा ट्रिप है ना मैं पूरा कर चुका हूँ। एसटी डेली ब्लॉग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, एसटी डेली ब्लॉग है। हाँ थैंक यू, मैं टैग करूंगा है आपका ब्लॉग को। हाँ हाँ ऊपर से ले लीजिए। सो मेरा ट्रिप खत्म हो गया है, मैं थोड़ा है ना फोटो ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। गाइस मैं एक्चुअली मेला पे नहीं आया हुआ था, कुछ काम के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेला बोल के मुझे पता नहीं था बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेला भी घूम लिया और साथ साथ रिवर क्रूज़र भी पूरा है ना, रिवर क्रूज़र भी घूम लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और आप सबको इस वीडियो में है ना सब कुछ दिखाने के लिए कोशिश की, काम के लिए आया हुआ था तेजपुर, लेकिन यहाँ पर मेला है बोल के मुझे भी पता नहीं। तो आज है ना मेला भी घूम लिया और रिवर क्रूज़र भी पूरा घूम के आप सबको भी दिखाने के लिए कोशिश किया। और सामने है ना यही है गाइस मेरा BMW खड़ी है। अब भाई रात को खुशी खुशी आ ही रहा था तेजपुर से, रास्ता में है ना तेल ख़त्म हो गया और यहाँ पे इतना तगड़ा बारिश आ रहा है, मैं तो भीग गया, पूरा भीग गया भाई। अभी क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक दोस्त को फ़ोन किया है, वो बोला है कि मैं तेल ला के दे रहा हूँ, और तेल लाने का बाद ही मैं जा सकूँगा। पूरा भीग गया हूँ, ये देखिए गाइस रास्ते का बीचों बीच में हूँ, पूरा तेल ख़त्म भाई, इतना दुख लग रहा है। जाने का टाइम तो इतना खुशी खुशी में गया, अभी तेल ख़त्म हो गया, बहुत दुख लग रहा है भाई, क्या करो। सब लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बीचों बीच रास्ते के बीचों बीच में, अभी आने वाले हैं शायद, वो आने का बाद मैं चला जाऊँगा भाई। फाइनली गाइस मुझे है ना अभी जाने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पम्प में भी है ना वो बोतल में तेल नहीं दे रहा था, तो उन्होंने क्या क्या उसका बाइक से थोड़ा बहुत खोल के है ना आधा लीटर जैसा होगा खोल के ला के दिया। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ मेरा घर की ओर, और बहुत तगड़ा बारिश आ रहा है, बारिश में ही जाना पड़ेगा, करे तो करे क्या भाई। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ जिया वरोली ब्रिज का ऊपर,
बारिश में ही पूरा भीग के आ रहा हूँ भाई, मैं भी हार मारने वाले में से नहीं हूँ, इसीलिए पूरा बारिश में भी मैं जा रहा हूँ घर, अपनी घर मुझे कैसे भी है ना, और 30 मिनट में घर पहुँचना है, और जितना भी टकरा बारिश ना आए क्यों मैं घर पहुँच ही जाऊँगा। और मुझे है ना ये जिया बोरोली नई वाली ब्रिज है और काफी सुंदर है, नजारा दिखा देता हूँ, बारिश बहुत है। इधर देखिएगा इस मेरा आगे यही है जिया बोरोली नई वाली ब्रिज, उस साइड में भी सेम है, एक तरफ से गाड़ी आती है एक तरफ से जाती है, तो ये गाड़ी और मेरे जितना गाड़ी आ रहा है वो काफी तेज से जा रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा तेज जाता हूँ ना मुंह में जब बारिश का बूंद लगता है बहुत दर्द होता है इसीलिए। तो गाइस मैं है ना कैसे भी करके 30 मिनट में पहुंचाना है मेरा घर, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, क्योंकि मेरा तेल भी बहुत कम है, आधा लीटर तेल है, पहुंचूंगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि पेट्रोल पंप अभी आगे मिलने वाला नहीं है, मेरा घर के सामने एक है वहां पे पेट्रोल नहीं था जब मैं आया था। तो गाइस ये भाई ने है ना थोड़ा बहुत मदद किया, वो भाई को मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि हम लोग जल्दीबाजी में थे, तो तेल दे के चला गया, वो भी जल्दीबाजी में थे, तो गाइस उसको भी बहुत बहुत थैंक यू, वो वीडियो देख रहा है तो मुझे आधा लीटर तेल इतना बारिश का बीच में वो गाड़ी में लाके पहुंचाया भाई, वो आधा लीटर तेल मेरे लिए बहुत ही कीमती है, मैं घर तक पहुंच जाऊंगा, कल सुबह दड़वा लूंगा भाई, अभी तो आधा लीटर में शायद घर पहुंच ही जाऊंगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू गाइस।